achiever, congratulations for being lucky or for winning this Oracle, this angel's reading worth of 1,000 rupees absolutely free. So all the best. And abhi main reading karna shuru karti hu aapki. And this is one, this is two, three, four, and ek baar reshuffle kar leti hu five ke liye. 1 minute. And this is fine. Okay. So dreamer to achiever, one very basic or very, very important concern about angels is your health. So please improve, you have to concentrate on improving your health. That is very, very essential for you. So if you have happy health, then happy health actually leads to a happy mind, and happy mind leads to positivity, and positivity definitely leads to success. So it is you should concentrate more on your improving health, physical health and mental health. When we are talking about the mental health, then there are few aspects. Hindi mein batana hai, English mein batana hai, aap mujhe bata dijiye, abhi to main English mein bata rahi hu aapke liye. Ya main dono mein hi bata deti hu aapke liye. Dusri baat hai ki aapke liye dreamer to achiever zaruri hai ki kai sari cheeze on the way hum chhod dete hain, hum unko important nahi mante hain. To kai aise aspects hote hain ya kaise relations होते हैं जिनकी जो भी कंप्लेंट्स होती है उनको इम्पोर्टेंट नहीं मानते, या उनको हम छोड़ देते हैं, या वो चीज़ें ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रहती हैं ऑन प्रेजेंट सिनारियो. बट एंजल्स आर सेइंग यू हैव टू रिकंसिडर फ्यू एस्पेक्ट्स, यू हैव टू रिकंसिडर फ्यू एस्पेक्ट गोइंग फॉरवर्ड. तो एक बार जो भी आप छोड़ चुके हैं या जो भी आपके ने उसको नोटिस नहीं किया है, तो उन चीज़ों को एक बार री इवेल्युएट करने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, और एनालाइज करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. तो उनको रिकंसिडर एक बार कीजिए, उस पर कॉल कीजिए और उस पर उसको देखिए कि कोई कौन सी चीज़ है जो शायद आपने जो फाइनर पॉइंट्स हैं वो आपसे मिस हो गए हैं. और अगर आप दोबारा से उन एस्पेक्ट्स को रिकंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ ना कुछ तो आप पा जाएंगे. और सो दिस इज वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इम्प्रूवमेंट ऑफ your health, and definitely reconsider a few aspects in your life, or maybe correction of few aspects in your life will take you to do a higher level, ek acche level par aap pahunch sakte hain. To ye aapke liye zaruri hai. Aur jab aapke liye aap jab ye kar le, aapke health ye bahut hi prominent aspects hain aapki life ke liye dreamer to achiever. Aur jab aap decision le ki mujhe isko improve karna hai, to fir usme improve hi karna hai, यही करना है. और फिर कोई भी नेगेटिव या कहे कि डोंट स्टॉप, आज ये पॉजिटिव जो काम अपने हाथ में लेंगे ड्रीमर टू अचीवर, उसमें कभी भी ब्रेक नहीं आना चाहिए. उसमें कभी भी आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू कम बैक टू द स्क्वायर वन, ऐसा नहीं. आप करते जाइए, इम्प्रूव करते जाइए, रिकंसिडर कीजिए, हेल्थ पर कीजिए. ये सारी चीज़ें एक आपके लिए मेजर एस्पेक्ट्स हैं. और क्या होगा, इससे आपको सक्सेस तो मिलेगी ही आपके आपके जो भी करियर में, या आपकी डे टू डे लाइफ में, या ट्रांसफॉर्मेशन में, या आपकी पर्सनालिटी और मेंटल हेल्थ में इम्प्रूव होगा. पॉजिटिविटी तो आएगी. आप रोमांस इज ऑल्सो ऑन द कार्ड, तो आपके रिलेशनशिप में भी बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, और वो भी पॉजिटिव होगा, वो भी पॉजिटिव होगा. सो ड्रीमर टू अचीवर, ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो फाइनर जो मेजर पॉइंट्स हैं आपके जो एंजल्स आपको बता रहे हैं, उस पर कार्रवाई करना शुरू करें. यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. क्योंकि अभी जब आप शुरू करेंगे, ईयर फ्रॉम नाउ आप एक बहुत ही स्टेबल प्लेटफॉर्म पर रहेंगे. चाहे आपके रिलेशनशिप की बात हो, आपके करियर की बात हो, या आपके जो भी आपकी हेल्थ रिलेटेड बात हो, तो पॉजिटिविटी, सक्सेस, हैप्पी मोमेंट्स, रोमांस, एंड एक जो मतलब जो भी एक पॉजिटिविटी है,
वो आपके लिए शुरुआत हो जाएगी और सक्सेस आपको विद इन अ ईयर फ्रॉम नाउ आप एक बहुत ही स्टेबल प्लेटफॉर्म पर रहेंगे, बहुत ही हैप्पी रहेंगे, ऐसा इंडिकेशन दिया जा रहा है। तो जो करने की बात है वो भी एंजल्स ने बता दी है, जो ना करने की बात है वो भी आपको बता दी है, टाइम भी आपको बता दिया और क्या क्या आप अचीव कर सकते हैं। आप बहुत ही सॉलिड प्लेटफॉर्म पर रहेंगे रिलेशंस को लेकर। सो ऑल द बेस्ट ड्रीमर टू अचीवर, टेक केयर। ये बहुत ही साउंड एडवाइस आपको एंजल्स ने दी है, आई होप कि उस पर कंसिडर कर उस पर आप काम करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग दिस लकी ड्रॉ। ऑल द बेस्ट।